नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली आबकारी नीति मामले को लेकर बुधवार को आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चरम पर है। इस मामले में बुधवार को दिल्ली के सीएम का तीसरी बार भी ईडी के सामने पेश न होने पर मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ईडी की कार्यवाही सीएम अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें गिरफ्तार कराने की बीजेपी की एक बहुत बड़ी साजिश है। आतिशी ने कहा कि केंद्र सरकार की ईडी ने आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार एक गैर कानूनी समन भेजा है। गैर कानूनी समन में उन्होंने सीएम को ईडी के सामने पेश होने को कहा है। दो बार समन आया तो दिल्ली के सीएम ने प्रवर्तन निदेशालय से कई सवाल पूछते हुए चिट्ठी लिखी थी कि उन्होंने किस आधार पर किस स्टेटस के लिहाज से उन्हें पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया है। आतिशी के मुताबिक तीनों बार चिट्ठी भेजने के बावजूद ईडी ने आज तक अरविंद केजरीवाल के सवालों का जवाब नहीं दिया है। ईडी के अफसरों को भी पता है कि समन गैर कानूनी है, अगर ऐसा ना होता तो ईडी उनके चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं देती। इसमें हमारी सहानुभूति ईडी के अफसरों से है। सहानुभूति इसलिए कि अफसर केंद्र सरकार और बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो सीएम के सवालों का जवाब देंगे तो वह यही बताएंगे कि हमने समन इसलिए भेजा ताकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने इस समन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। अगर ईडी को सीएम के सवालों का जवाब देना होता तो जांच एजेंसी के अधिकारी यही कहते कि विपक्ष के खिलाफ ईडी को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। इससे पहले सौरभ भारद्वाज ने भी इस मसले पर केंद्र सरकार और बीजेपी को निशाने पर लिया था।